सतेश्वरी जो कि ये बात तो जान चुकी है कि राजीव को खत्म करने से पहले कू का कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए अब सतेश्वरी भी कू को मारने का प्लान बनाती है। कू जिसको लगता है कोई इस घर में है जो हमारे राजीव बाबू का दुश्मन बनकर फिर रहा है, कू भी उसे तलाश करते करते वहाँ पहुँच जाती है जहाँ सतेश्वरी होती है। सतेश्वरी जिसने अपना चेहरा छुपा रखा होता है, वो कू को डराने के लिए उस पर हमला करती है। सतेश्वरी की वजह से कू के बाजू पर चोट लग जाती है। कू को और भी फिक्र होने लगती है, कहीं ये औरत सतेश्वरी तो नहीं है।